1975 की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म 100 हफ्ते तक रही सिनेमाघरों में रिलीज, कोई नहीं दे पाया था अमिताभ बच्चन को टक्कर। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन पिछले 5 दशकों से बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने करियर में अब तक एक से बढ़कर एक फिल्म दी है, जिनमें से कुछ फिल्में तो आज भी लोगों के बीच काफी मशहूर है। आज हम अमिताभ बच्चन की उस फिल्म की बात करने जा रहे हैं जो 100 हफ्तों से ज्यादा समय तक सिनेमाघरों में रिलीज रही थी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमित जादव एंड वेलकम टू माय चैनल डेकोरम एक्सप्लोर। पिछले 5 दशकों से फिल्मों में सक्रिय रहने वाले दिग्गज अमिताभ बच्चन ने अपने दमदार अभिनय से अब तक दुनिया भर में अपनी गजब की फैन फॉलोइंग बनाई है। लोग आज भी उनकी फिल्मों के कायल रहते हैं। पिछले साल रिलीज हुई अमिताभ की फिल्म ऊंचाई और ब्रह्मास्त्र ने भी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के साथ छा गई थी। अमिताभ ने अपने अब तक की फिल्म करियर में बॉक्स ऑफिस पर एक से बढ़कर एक फिल्में दी है। उनकी कई सारी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लोग आज भी दीवाने हैं। वहीं आज हम अमिताभ की उस फिल्म के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो साल 1975 में सिनेमाघरों में छा गई थी और इस फिल्म का नाम है दीवार। यह फिल्म रिलीज के साथ बॉक्स ऑफिस पर भी छा गई थी। फिल्म दीवार साल 1975 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। यह एक एक्शन क्राइम फिल्म थी जो यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित और सलीम जावेद द्वारा लिखित थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ नीतू सिंह, निरूपा रॉय, प्रवीण बॉबी और शशि कपूर भी लीड रोल में थे। फिल्म दीवार 100 हफ्तों से अधिक समय तक सिनेमाघरों में रिलीज रही थी। इस फिल्म पर दर्शकों ने अपना भरपूर प्यार लुटाया था और फिल्म रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म ने कमाई के मामले में भी कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया था। वैसे देखा जाए तो साल 1975 अमिताभ के लिए काफी लकी साबित हुआ था, क्योंकि इसी साल उनकी फिल्म शोले भी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। बता दें कि अमिताभ बच्चन की फिल्म शोले साल 1975 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर सामने आई थी। इस लिहाज से देखा जाए तो साल 1975 में अमिताभ बच्चन को कोई भी टक्कर नहीं दे पाया था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।